नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पड़ोसियों की नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचें, कैसे बचें पड़ोसियों के उस दुष्प्रभाव से जो आपको उनके पितरों द्वारा मिल सकता है, उनके घर में कोई नेगेटिविटी हो उस द्वारा मिल सकता है, या उनके खुद के नकारात्मक विचार, उन सब से कैसे बचें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई पड़ोस ज़रूर है, वो किसी ना किसी का पड़ोसी ज़रूर है। और बहुत सी बारी ऐसा हो जाता है कि जो भी हमारा पड़ोसी होता है उसकी कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा हम पे आ रही होती है, चाहे उसके पितर हमारे साथ बुरा कर रहे होते हैं, चाहे उसके घर में कोई प्रेत आत्मा का वास होता है तो वो उसके साथ साथ हमें भी अफेक्ट कर रहा होता है, चाहे उसकी खुद की छोड़ी हुई नेगेटिव वाइब्स, हाय टोक और नज़र, वो भी हमें अफेक्ट कर रही होती है। तो तीनों से ही बचने के आपको आज उपाय भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। कोई ना कोई पड़ोसी ऐसा मिल जाता है जो झगड़ालू हो, गुस्सैल हो, गंदा हो, आपसे हर वक्त किसी ना किसी वजह से उलझे, आपको कभी ना कभी क्षति देने के लिए, परेशान करने के लिए, उकसाने के लिए चाले चले, षड्यंत्र करे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करे जिससे आप इरिटेट हो या झगड़ा बढ़े या आपको प्रोवोक करें। इस तरीके के अगर कोई पड़ोसी है आपका, चाहे सामने वो आपके रहता है, चाहे आपके बगल में रहता है, चाहे आपके अगल में रहता है, चाहे एक घर छोड़ के रहता है, पर उसकी हर तरीके से इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में है, नेगेटिवली आपको प्रोवोक करने के लिए, नेगेटिवली इफेक्ट करने के लिए, आपको उकसाने के लिए, तो आप ये समझ जाइए कि वो इंसान नेगेटिविटी से ग्रसित है, उसके पितर किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हैं या उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, और उसके घर में भी नेगेटिविटी का वास है और वो खुद एक पोजेस्ड पर्सन है। कभी भी कोई भी इंसान अपने पर्सनल लाइफ को छोड़ के, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के, अगर अपनी लाइफ का एक हिस्सा या एक पार्ट दूसरे को ख़राब करने में व्यतीत करता है, दूसरे को तंग करने में व्यतीत करता है, दूसरे को उकसाने में व्यतीत करता है, और उसको इसमें मज़ा आता है, और ऐसा वो बार बार करता है, बिना किसी गंभीर वजह के करता है, बिना किसी ऐसी किसी दुश्मनी के करता है, सिर्फ एक जलन के कारण करता है या अहम की लड़ाई के कारण करता है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से ग्रसित इंसान है। वो इंसान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो जलन है और उसके अंदर जो अहम है वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उसकी खुद की जो ऊर्जा होती है वो नकारात्मक होती है, उसकी खुद की आत्मा मलिन होती है, और उसकी इस मलिनता भरी आत्मा के साथ ढेरों अनेकों नकारात्मक ऊर्जाएँ जुड़ जाती हैं, ऐसा जुड़ाव कर लेती हैं कि उसको प्रोवोक करती हैं। वो हर वक्त आपके बारे में सोचेगा। अगर आप एक मिनट के लिए कोई नई गाड़ी भी लाओगे तो उसको इरिटेशन होगी। आप अच्छे कपड़े पहन के भी बाहर निकलोगे, उसको इरिटेशन होगी। आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा होगा तो उसे इरिटेशन होगी। आपके घर में कोई जश्न हो रहा होगा तो उसे इरिटेशन होगी। आपके जीवन में कोई खुशियाँ आएंगी तो उसे इरिटेशन होगी। आप किसी से भी बात कर रहे होगे, कोई भी और पड़ोसी आपसे बात कर रहा होगा, आपका सर्कल बढ़ रहा होगा तो उसे इरिटेशन होगी। मतलब आप अपनी जीवन में मस्त हो, व्यस्त हो, तो भी उसे इरिटेशन होगी। हर वक्त वो आपको उकसाने के, आपको तंग करने के, आपकी खुशियों में किसी न किसी से तरीके से सेंध लगा के उनको यूं कह लीजिए गम में बदलने की कोशिश में लगा रहेगा। दिखाने को वह दिखाएगा कि वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त है, मस्त है, पर कहीं ना कहीं रोज़मर्रा में कोई ना कोई ऐसा जेस्चर देके, ऐसा कोई ना कोई हैबिट कॉज करके आपको तंग करने की कोशिश करेगा, जो है जिससे आपके यूं कह लीजिए लाइफ में प्रॉब्लम्स हो या आपको इरिटेशन पैदा हो। जैसे आपके घर पे के आसपास घूमना या घर के आसपास कोई एक्टिविटी करना, गाड़ी ज़बरदस्ती खड़ी कर देना, ट्रेसपास करना आपकी प्रॉपर्टी पे, किसी ना किसी ऐसी हरकतें जिससे आपका पारा हाई हो, आप प्रोवोक हो, आप झगड़े के लिए तैयार हो, क्योंकि उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है और उसकी खुद की जो मलिन आत्मा है वो लड़ाई कलेश झगड़े में सुकून पाती है, और उसकी खुद की आत्मा भी बहुत मलिन होती होगी जो उसको मालूम नहीं है। वो उसको अपने आप को सही समझता है, दूसरे को तंग करना अपना बर्थ राइट समझता है, पर ये एक मलिन आत्मा के सबसे बड़े यूं कह लीजिए लक्षण होते हैं कि ह्यूमन बॉडी होते हुए भी आत्मा इतनी मलिन है, और ये वो आत्माएं होती हैं जो बहुत निम्न स्तर की योनियों से इस मनुष्य योनि में आई होती हैं। ये जब आई होती हैं एक इनको मौका दिया जाता है सुधार करने के लिए, पर ये अपनी उस प्रवृत्ति को भूलती नहीं है और मानव शरीर होते हुए भी ऐसे काम करती हैं जिससे झगड़ा, फसाद, कलेश पैदा हो।
इस तरीके के इंसान से हमेशा दूरी बनाइए, इस तरीके के इंसान से कोई भी मेल जोल रखना, इस तरीके के इंसान को अगर आप प्यार से समझाने की भी कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेगा, उसको हर कीमत पे झगड़ा चाहिए होगा, हर कीमत पे उसको एक ऐसा इंसिडेंस चाहिए होगा कि वो आपको प्रोवोक कर सके, आपसे किसी ना किसी तरीके से मतभेद पैदा कर सके, झगड़ा पैदा कर सके, आपका दिन और शाम ख़राब कर सके। ऐसे लोगों के पितर भी नेगेटिव होते हैं, ख़राब होते हैं, जो उनको ये समझ नहीं देते, अकल नहीं देते, उल्टा उनके इस ख़राब अवस्था को बढ़ने देते हैं ताकि उनके साथ भी कोई मिसहैप हो जाए। अब कोई भी पड़ोसी ये गंदा है, गाली गलौच और झगड़े वाला है, आपको तंग कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तो आप एक बारी टॉलरेट करोगे, दो बारी करोगे, तीन बारी करोगे, जब आपके भी सब्र का बांध टूट जाएगा तो आप भी कोई एक्शन लोगे। चूड़ियाँ तो किसी ने भी नहीं पहन रखी, तो आप या तो पुलिस की हेल्प लोगे या अपने घर वालों के साथ मिलकर झगड़ा करोगे, कुछ ना कुछ आप करोगे जिससे आप उसको रोक सको, क्योंकि ज़्यादती एक हद तक बर्दाश्त होती है, जब वो एक्सीड हो जाती है, जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है, तो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है। और ये बात आप भी जानते हो, हर कोई जानता है कि कोई कितना ही अपने आप को कमज़ोर समझे, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब हम उस कमज़ोरी को या सीधेपन को कह लो, जिसको अक्सर सामने वाला कमज़ोरी समझता है, उस सीधेपन को त्याग देता है और सामने वाले को बता देता है कि जो तूने हमारे बारे में सोचा वो गलत था, जो तूने हमारे बारे में गलत फहमी पाली थी वो भी गलत थी, और अब तू देख हमारा गुस्सा देख। तो ये चीज़ आप भले जब करते हो, उसको काउंटर अटैक करते हो उसके अटैक के बाद, तो ऐसे लोगों की अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खुश होती है, क्योंकि वो उसकी बर्बादी चाहती हैं, इसीलिए वो उसको प्रवोक करती हैं झगड़ा करेश करने के लिए। और जब सामने वाला काउंटर अटैक करता है तो वो राजी होती हैं कि चलो हमारा काम बन गया। उसके साथ साथ उसके पितर ना वो उसको डिफेंड करते हैं ना वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वो गंदे लोग होते हैं जो अपने जिन्होंने अपने बड़े बूढ़ों का भी सम्मान कभी नहीं किया होगा, जिन्होंने अपने घर वालों का भी कभी सम्मान नहीं किया होगा, तो और ये मतलब ही रहे होते हैं हमेशा, ग्रीडी रहे होते हैं हमेशा, इस वजह से इनके पितर भी जो इनके साथ हो रहा है होने देते हैं, इनके व्यवहार को बढ़ने देते हैं जैसा ये बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जो रिपरकशन होते हैं ये फेस करते हैं ऐसे गंदे लोग, और तब इनके अंदर का जो क्या कहते हैं ना, जो इंसानियत है उसको जगाने का ड्रामा करते हैं। जब इनके साथ गलत हो जाता है, जब सामने वाला इन पे भारी पड़ता है, तब उसके बाद ये दुहाई देते हैं इंसानियत की, इसकी उसकी, क्योंकि अभी तक ये दूसरे को तंग करते आ रहे थे। जब इनको कोई तंग करने वाला मिल जाता है या सामने वाला बंदा भारी पड़ता है, तब ये अलग अलग कोनों में घुस जाते हैं, अपने घर में दुबक जाते हैं अंदर जाके, तब इनको वो घबराहट होती है ये क्या हो गया, या फिर अपनी घरवालियों को आगे कर देते हैं कि मुद्दे को शांत करने के लिए, या बच्चों को आगे कर देते हैं मुद्दे को शांत करने के लिए। तो ये वो लोग होते हैं कुत्ते की दुम की तरह, जो पूरी ज़िंदगी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, क्योंकि इनकी जो मेन फाउंडेशन वाली बात है वो ये है कि इनकी आत्मा मलिन होती है, डिमोनिक होती है। मरने के बाद भी ये प्रेत योनि में सड़ते हैं, और उसके बाद अगेन पशु योनि की तरफ इनकी आत्मा बढ़ जाती है, क्योंकि ये कभी नहीं सुधर सकते। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, ऐसे लोगों का कुछ भी ना लें खाने को। ये हो सकता है किसी त्यौहार पर मीठे बने आपके साथ, ताकि आपके पे कोई उतारा करने के लिए या ब्लैक मैजिक करने के लिए। ऐसे लोगों से कोई खाने पीने की चीज़ें ना लें। एक बारी कोई ऐसा पड़ोसी झगड़ा कर ले आपसे और बुरे वाला कर ले, तो ये समझ जाइए कि जो पहले आपका दुश्मन था वो आखिर तक आपका दुश्मन रहेगा। वो दोस्ती का नकाब अगर ओढ़ के आपके सामने आ भी रहा है या आपके किसी भी मोटिव से आ रहा है, उसका मोटिव हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। आप अगर ये सोच लो कि उसका मोटिव सुधर गया है, वो सुधर गया है, अब उसके मन में आपके प्रति प्यार या दोस्ती जाग गई है या नफ़रत उसने भुला दी है, तो ऐसा नहीं होने वाला। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ये फिल्मी दुनिया नहीं है जहाँ लोगों को रियलाइजेशन हो जाए अपनी गलती की और वो अच्छे बन जाएँ। जो गंदी आत्मा होती है वो जीवन पर्यंत गंदी रहती है, और जब वो शरीर त्याग देती है उसके बाद भी उसकी गंदगी का स्तर बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए, ऐसे लोगों से निपटने के लिए जितना आप कन्फ्रंटेशन में इनसे कम पड़े उतना बेटर है। मैंने बहुत लोगों का अपने घर पे मेन गेट पे CCTV लगवाएं, ताकि अगर वो आपके गेट पे कोई भी टोटका करते हैं, कोई भी क्रिया डालते हैं, कोई भी तरीके का ट्रेसपास करते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता रहे, आप एक्शन ले सको, पुलिस की मदद ले सको इन लोगों के खिलाफ। इन लोगों के प्रति आप जितना सहानुभूति रखोगे, जितना इन पर रिलाय करोगे, जितना इन पर डिपेंडेंसी रखोगे, जितना इनको यूँ कह लीजिए एक हल्के में लोगे, उतना आपके लिए नेगेटिव साबित होगा। ऐसे पड़ोसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी खुद की ऊर्जा नेगेटिव,
इनके साथ नकारात्मक ऊर्जा लगी होती है और इनके पितर भी नेगेटिव होते हैं, तो तीनों ही चीज़ें इनकी नेगेटिव होती हैं। एक तरीके से कह लो राक्षसों का समूह होता है। तो ऐसे लोगों से उलझना या इनके प्रोवोकेशन में आना, जो भी ये प्रोवोक आपको करते हैं, तो एक ही एक चाल होती है इनकी, षड्यंत्र होता है कि एक छोटी सी ऐसी बात कह दी, वो कह दी, ताकि आप बदले में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट होगा, लड़ाई किस स्तर तक बढ़ सकती है आपको नहीं पता, मार पिटाई तक जा सकती है, पुलिस कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। इनको इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि इनके साथ जो हो, इनको इस बात के दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, इनको बस फसाद चाहिए। हालांकि बाजी दफ़ा इन पे सामने वाला भारी पड़ता है तो इनको बाद में होता है, अरे यार ये क्या पंगा ले लिया, पर हम अपना कीमती जीवन, कीमती वक्त क्यों बर्बाद करें ऐसे लोगों के पीछे। हमारी तरक्की को रोकने के लिए ही ऐसे लोग जन्म लेते हैं। और ये जो जैसे रामायण में भी कहावत आती है, दुष्ट संग जन देही बिताता, दुष्टों का संग भी ईश्वर देता है, तो हमें उनसे बचाव करना है, अपने आप को दूर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको दब्बू बनना है या डर के रहना है या कोई भी वो जो है उनका अत्याचार सहते रहना है। अगर जहाँ बात आती है लड़ने की, तो वहाँ पर ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ लीगल थिंग। एज अ वकील मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि या तो लीगली हेल्प लीजिए या पुलिस की हेल्प लीजिए, खुद लड़ने में कम अपना टाइम वेस्ट कीजिए। मेरे बहुत सारे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं और वो मुझे अक्सर बताते हैं कि जब भी उनके वहाँ कोई अगर पड़ोसी से झगड़ा होता है या पड़ोसी तंग करता है, तो वो लोग आपस में नहीं लड़ते। जैसे इंडिया में होता है ना, पड़ोसी आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, पूरा परिवार उतर गया है, फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करते इन सब बकवास में, वो सीधा पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अपने आप जो ज़्यादा तीस मार का बन रहा होता है वो ठंडा पड़ जाता है। तो ऑलवेज बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, डू नॉट वेस्ट योर रिसोर्सेज, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी, डू नॉट वेस्ट योर सेल्फ। कौन सी लड़ाई किस स्तर तक पहुँच जाए, कब किसको नुकसान हो जाए नहीं पता। हमारा जीवन बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू कीजिए, इसको एक यूँ कह लीजिए एक ट्रेजर की तरह रखिए, एक हीरे मोती की तरह अपने जीवन को कीमती समझिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और जितना आप इस जीवन को प्रिजर्व रखोगे, बचा के रखोगे, सर्वाइव करोगे, उतना ज़्यादा आप इस शरीर का इस्तेमाल कर पाओगे, इस शरीर से भोग ले पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरक्की कर पाओगे, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मॉनेटरी वाइज हो, चाहे वो सोशल वाइज हो। मतलब ये जो आत्मा है आपकी, इसको ये शरीर भोगने के लिए ही मिला है, तो इसके द्वारा हम कष्ट क्यों भोगें? ऐसी पापी आत्माओं के प्रोवोकेशन में आके हम कष्ट क्यों भोगें, जबकि हम इस शरीर से ना जाने कितने सुख भोग सकते हैं। हम मेहनत करके, कमाई करके अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। हम उस कमाई से सुख अर्जित कर सकते हैं, हम उस कमाई से लोगों का भला कर सकते हैं और आशीष और दुआ ले सकते हैं। तो वाई टू वेस्ट दिस एनर्जी, दिस बॉडी ऑन समवन एल्स? अगर झगड़े फसाद में आपको कुछ हो जाता है या इनको कुछ हो जाता है, अगर ऐसे किसी गंदे आदमी को कुछ हो गया, तो चलो वो तो गया जान से, उसको उसके किए की सज़ा मिल गई, पर आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। कोई ना कोई आप जो है, या तो आप जेल चले जाओगे, ऐसा कुछ होगा। और अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, वो भले ही जेल चला जाए पर लाइफ तो एंड हो गई ना। तो ऑलवेज़ ट्राई टू इग्नोर, ऑलवेज़ टेक हेल्प ऑन द प्रोफेशनल साइड इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग योर सेल्फ। खुद को मत उस लड़ाई में घुसाओ। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, जितना विवाद से दूर रहोगे उतना बचे रहोगे। और कुछ नहीं है, अपने घर की दीवारें बड़ी कर लो। अपने आपको प्रोटेक्शन लेवल में कोई कमी लग रही है अपने घर में, अपने घर को और भी सिक्योरिटी वाइज हर चीज़ से अपने घर को बेटर बना लो, जिससे आपकी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन हो। सीसीटीवी से आपको ये पता लग गया कौन बाहर खड़ा है, आपने अपनी वॉल्स बड़ी कर ली जिससे कोई कूद के नहीं आ सकता, आपने हर तरीके से प्रिकॉशन रखनी शुरू कर दी, कोई भी चीज़ जो है अलर्टनेस रखनी शुरू कर दी। तो ऑलवेज़ मेक योर वॉल्स सो वाइड, सो बिग कि कोई भी उन्हें फांद ना सके। ये कहावत इसलिए है कि लड़ने की बजाय पहले डिफेंसिव बनो, जब बात बिल्कुल ही पार चली जाए देन गो फॉर फाइट एज अ वॉरियर। एक्चुअली इसीलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो आत्मा है, इसको इस ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करना है जितना टाइम तक हम कर सकें। और जितना टाइम हम इसमें काट लेंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्रेत योनि का समय घट जाएगा। अगर वक्त से पहले हमारी डेथ कॉज होती है, किसी की भी डेथ कॉज होती है, तो प्रेत योनि तो निश्चित है ही है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम पर अवॉइड करो। इन लोगों के जो है पितर आपको भी डिफेंड नहीं करने वाले ना इनको। हालांकि कई दफ़ा ऐसे इंस्टेंसेस भी हो जाते हैं कि जब ये आपका बुरा करने के लिए चलते हैं, तो आपके पितर
इनको सज़ा देने लगते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, इससे आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, जो बुरे लोग हैं, झगड़ालू लोग हैं, गंदे लोग हैं, इनके पितर हमेशा नेगेटिव होते हैं, जब इनकी खुद की बुद्धि जो होती है फ्री हुई होती है, इनकी बुद्धि काम ही नहीं करती, विवेक ही नहीं होता इनमें, टॉलरेंस ही नहीं होती इनमें, इतनी सी बात इनको बर्दाश्त नहीं होती। तो यही सबसे बड़ा साइन होता है कि इनके पितर नेगेटिव हैं और इनका विनाश कर रहे हैं, इनकी खुद की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपके घर के आगे अगर ये कुछ डाल के जाते हैं या आपको तंग करते हैं या परेशान करते हैं, तो इनकी लाइफ में भी कबाड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, सही मार्ग पर चल रहे हो, किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा सही रास्ते पर चलते हो और हमेशा ईश्वर के से डरते हो, किसी का बुरा करने से डरते हो, तो ये समझ लो कि आपके पितर ठीक हैं, आपके प्रति आपके पितर आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपकी ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। तो जब भी आपके घर पे कोई भी आँच आएगी, आप पे कोई आँच आएगी, तो आपके पितर आपकी मदद करेंगे और बराबर जो भी पड़ोसी है उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे, चाहे सामने पड़ोसी है उसको भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, पड़ोसी हैं, जो दूसरों के यहाँ टोटका करते हैं, चीज़ें डाल के जाते हैं और वो लोग गरीब हो गए, बर्बाद हो गए, धीरे धीरे उनके घर में कलेश बढ़ने लगा, परेशानियां बढ़ने लगी, संघर्ष बढ़ने लगा जीवन में और उनकी इरिटेशन लेवल, गुस्सा और बढ़ता चला गया। क्योंकि जिसका उन्होंने बुरा किया उसके पितरों ने उस सामने वाले को दंड दिया या उस पड़ोसी को दंड दिया, चाहे वो बराबर है चाहे सामने है। तो निश्चिंत रहिए, अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो आपकी मदद उच्च बली आत्माएं भी करेंगी, आपके पितर भी करेंगे। तो भले ही वो पड़ोसी कितना ही पैसे में ताकतवर है, पर जो मार पारलौकिक तौर पर लगती है उसका मुकाबला, उसका तोड़ कोई भी पैसा नहीं कर सकता, कोई भी औधा नहीं कर सकता। इस बात को समझिए, क्या पता उस पड़ोसी के यहाँ ऐसी बीमारी पनप जाए, उसका बच्चा ऐसा बीमार हो जाए या उसकी बीवी ऐसी बीमार हो जाए कि उसे ऐसी गंभीर बीमारी निकल आए कि पूरी ज़िंदगी उसको इलाज करता चला जाए, सारा पैसा उसमें बर्बाद हो जाए, या उसके खुद के घर वालों से, बहन भाइयों से ऐसा झगड़ा पड़ जाए कि उसमें वो हमेशा घसीटता रहे और उसे पता भी ना चले कि ये उसने जो उतारा किया था या किसी को परेशान किया था, वैसे तंग किया था, ये उसका दंड है जो उच्च बली आत्माओं ने दिया है उस इनोसेंट आदमी के बिहाफ पे जिसको परेशान किया गया था। यू नेवर नो इट, और ये एक्चुअल में होता है। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए। किसी ने, कोई भी कोई बंदा गंदा है तो उसको सजा ईश्वर देगा, कर्म देगा, उसका खुद का अवचेतन मन देगा। आप अपने हाथ गंदे मत करो, जितना दूसरे को तंग करोगे उतना ज़्यादा अपना दामन गंदा करोगे। आपको नहीं पता कब किसी इनोसेंट आदमी की बद्दुआ हाय आपको ऐसी तगड़ी लगे कि आपको बर्बाद कर दे। आपको कुछ नहीं पता कि किसी बेकसूर आदमी के साथ जो उच्च बली आत्मा है, जो उसके पितर है, वो कब आपका कबाड़ा कर दे। तो हमेशा ईश्वर से डरो, ईश्वर के न्याय से डरो। आप किसी का बुरा करते रहोगे तो आपकी, और साथ में भगवान की पूजा करते रहोगे, आप कितने ही जाप कर लो, कितने ही वो कर लो, आप कभी भी वो सुकून नहीं पा सकते, वो खुशी नहीं पा सकते जीवन में जिसकी आप तलाश कर रहे हो। क्योंकि ईश्वर हर एक का है, ये अगर आप सोच रहे हो कि ईश्वर सिर्फ आपका है तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो देख हर एक को रहा है और वो हमेशा निर्मोही है, हमेशा न्यायप्रिय है। तो गलत करने वाले फिर चाहे आप हो चाहे कोई और हो, सज़ा ज़रूर मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, कि जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि ऐसे गंदे पड़ोसियों से कैसे बचें, ऐसे गंदे और भयानक घटिया पड़ोसियों से कैसे बचें। घबराइए मत, वक्त का पहिया चलने दीजिए, उनको न्याय, आपको न्याय मिलेगा और उनको सज़ा मिलेगी जब वक्त का पहिया चलेगा, और उनको उस टाइम बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी परेशान कर रही है, भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, एनीथिंग, जिससे भी आप परेशान हो, पोजेस्ड हो, या घर में कोई प्रेत रोगी है, तो एक बारी मेरी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी या प्लैटिनम धुनी ज़रूर मंगाइए। घर में इसको रेगुलरली 2-3 टाइम जलाइए, नारियल में मेरी धुनी भर के, नारियल को बांध के कलावे से, फिर इस नारियल से अपना उतारा कीजिए एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स और आग में उस नारियल को जलाइए। आप दिन पे दिन ठीक होते चले जाओगे। मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच पहनिए, इससे आपकी हमेशा रक्षा होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगेगा, टोने टोटके कटने लगेंगे, हाई टोक नज़र कटने लगेगी, घर बैठे आप ठीक हो जाओगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है,
नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। आप डायरेक्टली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी pulkitsingla901@gmail.com पे, मुझसे कॉल कंसल्टेशन बुक करके राय ले सकते हैं इस विषय में, अपना केस डिस्कस कर सकते हैं मुझसे फ़ोन पे, आप मुझसे अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। अगेन आपको उसी नंबर पे रिक्वेस्ट देनी होगी, इन सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वायरल कर दीजिए वीडियोज़ को, डाउनलोड कीजिए वीडियोज़ को, ताकि ये ज्ञान हमेशा आपके पास रहे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।